वनडे क्रिकेट के 48 साल के इतिहास में जब पहली बार वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी तो न जाने क्यों मुझे राजेश खन्ना साहब की कही वो लाइनें याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहतें सब कुछ इस जहां में रहता नहीं, आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। अजी वो दौर ही तो था। 1975 में वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है, क्लाइव लैड की टीम आती है, एक तरफा मैच जीत कर जाती है। 79 में दोबारा वर्ल्ड कप होता है, फिर क्लाइव लैड की टीम जो है वो आती है और सारी टीमों को चारों खाने चित कर देती है। उस टीम के बारे में कहते थे कि जो चार गेंदबाज खेलते हैं उनसे अच्छे गेंदबाज डगआउट में बैठे हैं, लेकिन हटाएं कैसे, लगातार ये भी तो परफॉर्म कर रहे हैं। कहर थे, एक बल्लेबाज आता था वो मारता था, आपने आउट किया, दूसरा उससे बेहतर आता था। और आज वेस्ट इंडीज की हालत यह है कि वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप क्वालिफायर से बाहर हो जाती है। हराने वाली टीम स्कॉटलैंड है, इससे पहले नीदरलैंड पटक रही थी, और हर एक टीम ने जिस जिस तरह से वेस्ट इंडीज को हराया बड़ा मायूस कर दिया यार। एक सवाल मन में पैदा हो गया कि क्या ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है इसने वेस्ट इंडीज क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं जब डेरेन सेमी की टीम ने T20 में वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन अब वेस्ट इंडीज टीम की वही कहानी है कि चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो फिर शाम तक, दुखद क्रिकेट के लिए। मतलब